अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने साबित कर दिया है कि भारत भी तकनीकी और ज्ञान के मामले में किसी से पीछे नहीं। भारत के वैज्ञानिक अपनी खोज और आविष्कारों से पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर अपने कदम रखने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी की जहां पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, तो वहीं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा बुरी तरह चिढ़ गई। लेकिन नासा को शायद ये पता नहीं कि ये तो अभी शुरुआत है। इसरो भविष्य में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे सुनकर नासा को भी पसीने आ जाएंगे। इसरो आने वाले 10 सालों में कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय लिख पाएगा। चलिए आपको इसरो के उन तमाम प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं जो अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं। चंद्रयान 2 के बाद भारत का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 2 के बाद इसरो चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रहा है। इसरो का ये प्रोजेक्ट अगले साल यानी 2020 के अंत तक पूरा हो सकता है। इस मिशन के तहत इसरो चांद की सतह पर भारतीय रोबोट उतारेगा। ये रोबोट चांद के वातावरण की जांच करेगा। चंद्रयान 3 के अलावा इसरो आदित्य L1 प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। चांद और मंगल पर भारत का तिरंगा लहराने के बाद इसरो की नजर सूर्य पर है। भारतीय वैज्ञानिक सूरज की रोशनी का अध्ययन करने के लिए अगले साल जून जुलाई के आसपास आदित्य L1 को भेजेंगे। माना जा रहा है कि इसरो के इस प्रोजेक्ट के जरिए जलवायु परिवर्तन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। इसरो का अगला प्रोजेक्ट होगा NISAR यानी निसार। इसरो इस प्रोजेक्ट पर अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस प्रोजेक्ट की संभावित लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। ये दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जो अंतरिक्ष से हर गतिविधि पर नजर रखेगा। इस मिशन के 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। चांद, मंगल, सूर्य के अलावा इसरो का लक्ष्य शुक्र ग्रह भी है। यही वजह है कि मंगलयान, चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट के अलावा इसरो शुक्रयान पर भी काम कर रहा है। इसरो 2023 तक शुक्र के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए शुक्रयान भेजने पर काम कर रहा है। शुक्रयान शुक्र ग्रह के चारों तरफ नजदीक 500 किलोमीटर और दूर 60,000 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाएगा। मंगलयान 2 साल 2014 में मंगल पर तिरंगा फहराने के बाद इसरो मंगलयान 2 भेजने की भी तैयारी कर रहा है। इस बार मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह के चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि इसकी सतह पर भी उतरेगा। इस मिशन को 2021 से 22 तक लॉन्च किया जा सकता है। गगनयान 15 अगस्त 2022 तक इसरो 3 यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। इससे पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में बिना इंसान के गगनयान का प्रक्षेपण किया जाएगा ताकि मिशन की सुरक्षा और सटीकता की जांच की जा सके। हालांकि अभी तक इसमें केवल 3 देशों ने ही सफलता हासिल की है और ये 3 देश रूस, अमेरिका और चीन हैं।
इसरो अगर इस मिशन में सफल होता है तो भारत की भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पूरी तरह तैयार होगा। तो देखा आपने किस तरह चंद्रयान 2 तो सिर्फ इसरो की सफलता का पहला अध्याय मात्र है। इसरो के हौसले अब अंतरिक्ष से भी ज्यादा मजबूत हैं, जिन्हें देखकर दुश्मन देश का डरना लाजमी है।